राजौरी अस्पताल में पिछले 10 दिनों से इलाज करवा रही एक 45 वर्षीय महिला न्याय के लिए तरस रही है। मेंढर की इस महिला के साथ मारपीट और यौन दुर्व्यवहार की घटना घटी है। पीड़िता की पहचान कालाबन मेंढर निवासी कुलसुम बेगम पत्नी शौकत हुसैन के रूप में हुई। महिला को उप जिला अस्पताल मेंढर में प्रारंभिक चिकित्सा सहायता दी गई, जिसके बाद उसे राजौरी के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसके शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों के अलावा हाथ के फ्रैक्चर का इलाज चल रहा है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब पीड़ित महिला के साथ बात की तो पीड़िता का कहना था कि 6 दिसंबर की सुबह वे गाड़ी से अपने घर वापस जा रही थी, तब पुरुषों के एक समूह ने गाड़ी रोककर उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद महिला ने मेंढर पुलिस के पास गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने महिला की बात पर गौर ना कर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इस पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि कुछ महीने पहले आरोपी ने उनकी बेटी के साथ भी कुकर्म किया था, जिसकी मेंढर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की थी और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती रखा गया था, लेकिन उस वक्त भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और वे अभी भी अपनी बेटी के लिए न्याय की तलाश में हैं। जब SHO मेंढर ताहिर खान से मौजूदा मामले के बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन आरोपी फरार है। उन्हें दबोचने के लिए पुलिस ने एक दल का गठन किया है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, मैं गाड़ी से मेंढर से घर जा रही थी वापस, गाड़ी रोक के कफील खान ने इरफान खान ने, जाहिर खान ने, फरीद कुरैशी ने, मुख्तार खान ने, आरफ खान ने और सर में सबके नाम तकरीबन 15-20 लोग थे, जिनमें से 7 लोग मुझे पहचाने भी गए और मारा और मेरे कपड़े फाड़े और उन्होंने पहले रेप का मेरे साथ ऐसे किया था, रेप मेरे साथ करने लगा कफील और उसको ऊपर वाले ने हिम्मत ना दी तो सर उसने मुक्कों के साथ मेरे चेहरा मेरा ऐसे करके उसने मेरे मुंह में वो गंद अपना डाला और इस वक्त उसने जीप खोल के मुझे ऐसे मेरे नज़दीक किया तो उसको कुछ नहीं हुआ। जब उसने ये हुक्कों के साथ मेरा सीना तोड़ा था एक बार इलेक्शन के बारे में वोट दे रहे थे तो हमने उन्हें वोट नहीं दिए तो दूसरी पार्टी को, कुछ कार्रवाई पुलिस ने ना की और जो भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की पुलिस ने कुछ नहीं मेरा सुना और जो मैंने बयान दिया पुलिस ने वो भी गलत लिखा। मैंने दिया ही नहीं बयान, जो दिया था 1-2 बयान वो भी गलत। पुलिस मेंढर हॉस्पिटल तक नहीं आ पाई कि मेरा वो वहाँ सिग्नेचर करा सके पर्चे पे। सर, 6 तारीख को मेरा ये वाकया है, 6 तारीख का, और 7 तारीख को मेरा ये पर्चा दायर हुआ। 2 साल से वो कफील खान मेरे पीछे पड़ा था। सर, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं बेसहारा औरत हूँ, मेरी मारपीट का कुछ नहीं हुआ और मेंढर पुलिस ने कुछ नहीं किया। किसी से इनसे डर रही है गुंडों से? सर, ये गुंडा गर्दी कर रहा है कफील खान, ये हमारे गांव का नंबरदार बना है, हर लड़की की इज्जत लूट रहा है। इसने 7 लोगों के क्या, इसने 10-15 लोग साथ में रखे हैं तो गुंडा गर्दी ये फैला रहा है, कोई डर के मारे नहीं बोल रहा। जहां हमारी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो इसके रिश्तेदार हैं सर, तो वो गवाही नहीं दे।